बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जाहिद तबस्सुम और आप देख रहे हैं लंगड़ियाल टेक्निकल एंड इंफॉर्मेशन स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि फेक सिम कार्ड्स कैसे सेल आउट होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फेक सिम कार्ड्स कैसे और किन किन इलीगल कामों में यूज किए जाते हैं। कत्ल, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी से अवाम का पैसा लूट लेना वगैरह शामिल है। और अगर इन गैंग्स का अगला शिकार हम हैं तो हमने अपने आप को कैसे बचाना है। सबसे पहले इनको चाहिए होता है एक फेक सिम कार्ड, और वो तमाम चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फेक सिम कार्ड जब इनके पास आ जाता है तो ये एक 100 नंबरों की लिस्ट बनाते हैं, मसलन 0300 या 0301, उसके बाद कोई भी 7 हिंद से एक नंबर कंप्लीट हो गया। इसी तरह 100 नंबरों की एक लिस्ट बनाई जाती है और उन 100 नंबरों पर एक मैसेज भेजा जाता है कि जीतो पाकिस्तान, बोल न्यूज वगैरह की तरफ से आपको इनाम निकला है, इनाम की डिटेल जानने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता करें। अब अगर 100 लोगों में से 5 लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और वो 5 लोग 10-10 हजार रुपए तक इनको भेज देते हैं, इन्होंने एक बार में कितने पैसे कमा लिए? 50 हजार रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 हजार रुपए इनको कौन भेजता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन कोई 1-1 लाख रुपए तक इनको भेजा है। जब आवाम को पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, लोग इस नंबर को रिपोर्ट करते हैं और वो नंबर पीटीए की तरफ से बंद हो जाता है। इनमें से कुछ लोग पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते वो अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। ये हो गया इनका लूटने का पहला तरीका। इस मसले से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए आपने आज ही एक छोटा सा काम करना है। अपने मोबाइल के गूगल में जाएं और टैप करें चेक सिम क्वांटिटी। इसमें आप मालूम कर सकते हैं कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड सिम कार्ड्स कितने चल रहे हैं। ये वाली वेबसाइट ओपन करें और इसके अंदर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, और ये आपको बता देंगे कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड सिम कार्ड्स की तादाद कितनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मुतलका फ्रेंचाइज में जाना है, जिन नंबरों को आप यूज़ नहीं कर रहे सिंपल आपने उनको बंद करवा देना है। अब बढ़ते हैं इनके दूसरे तरीके की तरफ। इनका दूसरा तरीका थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे कि ये आपका व्हाट्सएप हैक करके आपके व्हाट्सएप के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। व्हाट्सएप कैसे हैक करते हैं? आप जानते होंगे कि जब आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट किसी मोबाइल में साइन इन करते हैं तो व्हाट्सएप आपके नंबर पे एक खास कोड सेंड करता है। उस कोड के लगाने के बाद ही आपका व्हाट्सएप जो है वो ओपन होता है। फर्ज करें ये कोड आपका चोरी हो जाए तो इसका मतलब आपका पूरा व्हाट्सएप जो है वो चोरी हो गया। ये गैंग्स आपके उसी कोड की मदद से आपके व्हाट्सएप तक रसाई हासिल करते हैं और मुख्तलिफ इनामी स्कीमों के नुमाइंदे बनकर लोगों से बात करते हैं और लोगों के साथ लाखों का फ्रॉड करते हैं। गुज़श्ता 3 से 4 महीनों के अंदर इन्होंने लोगों के कई व्हाट्सएप नंबर हैक किए और पाकिस्तान में लोगों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। इस मसले से बचने के लिए आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी। लालच में आके कभी भी रातों रात अमीर होने के ख्वाब ना देखें। याद रखें कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार ना करें। अगर आप वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो सही ट्रैक और सही प्लेटफॉर्म का इंतखाब करें। मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो यार इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको हर बला से महफूज रखे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।